हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आइसोमेट्रिक। जो जीआई इंस्टॉलेशन होती है उसकी आइसोमेट्रिक कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए, सीखेंगे आइसोमेट्रिक को बनाना। एक इंस्टॉलेशन हमने सेलेक्ट की है और उसको दिखाएंगे भी कि जो इंस्टॉलेशन है उसको करने के बाद हम पेपर पे कैसे बनाते हैं आइसोमेट्रिक को, और कैसे कैसे थ्री डायमेंशन में वो बनी होती है, तो तीनों डायमेंशन पे हम कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखो, इसमें समझाया हुआ है कि रिक्वेस्ट टाइप, तो यहाँ पर हमको इसको भरना भी होता है, इसको हमको भरना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट टाइप, तो यहाँ लिखेंगे न्यू कनेक्शन, ठीक है। और इसके आगे कस्टमर का नाम, जिसका हमें आइसोमेट्रिक बनाना है, उसका एड्रेस, इसमें डीआरएस नंबर भी देना होता है, जिस डीआरएस से वो कनेक्ट होता है, और वो किस एसआर से वो कनेक्टिविटी है। तो अगर एसआर लगाए उस एरिया में तो यहाँ पर एसआर को भी मेंशन करेंगे, उसकी मीटर क्यूब आवर में कैपेसिटी होती है। जैसे 100 SCMH का एसआर है, 50 SCMH का है, या 150 का है, या 250 का है, इस तरीके की कैपेसिटी में आते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। और प्रेशर तो सबका 110 से के आसपास होता है, 100 से 110 और 120 तक टॉलरेंस होता है। इस 100 पे भी सेट कर सकते हैं और 110 पे भी, तो इस तरीके के प्रेशर में आपको मिल जाएगा। अभी देखो, अगर हमको राइजर का आइसोमेट्रिक बनाना है तो यहाँ पर लिखा है राइजर पर्टिकुलर, तो यहाँ पर हम राइजर को बना के इसका जो टोटल करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और कंज्यूमर पर्टिकुलर में यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा के चिन्ह में देते हैं तो ये, और गीजर पॉइंट का ये है पॉइंट। तो इस तरीके से हमको आइसोमेट्रिक बनाना, इसके लिए हमको तीन डायमेंशन पे काम करना होता है। यहाँ पर देखो लिखा होगा 3D, इसीलिए इसको 3D बोलते हैं, क्योंकि इसकी तीन डायमेंशन होती हैं। एक देखो ऐसे वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये इन और ये आउट। तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि आइसोमेट्रिक में कि डायरेक्शन को पहले समझेंगे। तो डायरेक्शन में देखो, पहले हम डायरेक्शन ही समझ लेते हैं। चलो हम बड़ा बड़ा बना देते हैं, मान लो हम इस बिंदु पर हैं, हम जहाँ से शुरू करेंगे उसको एक सेंटर मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमको केवल या तो हमको आइसोमेट्रिक बनाते समय जब हम फेस के सामने होगा पाइप, जब हमें बनाना है वो या तो अप जा रहा होगा, तो अप जा रहा होगा तो इस तरीके से जाएगा, अप लाइन पे हमको बनाना है तो इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे, अप हो गया। और अगर हमें इसके नीचे जाना है डाउन में, तो हम नीचे की लाइन की तरफ इसको खींचेंगे, तो ये हो गया हमारा डाउन, तो इस रेखा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें घर के अंदर जाना है इन लाइन पे, तो इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे इसी पॉइंट से, तो ये हो गई आपकी इन। इन लाइन। और अगर हमको वापस आना होगा तो इसी लाइन से हम वापस आएंगे इसी रेखा पर, तो ये हो गया हमारा आउट, इसको बोलते हैं आउट। और अगर हमको राइट जाना है तो हम इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको पहले लाइनें पता होनी चाहिए किस लाइन पे हमको किस दिशा में जाना है। तो अगर हमको राइट जाना है तो इस लाइन पे चलेंगे, और लेफ्ट जाना है तो इस लाइन पे चलना होगा। तो ये तो आपका हो गया डायमेंशन कि इन जाना है, आउट जाना है, अप जाना है, डाउन आना है, राइट और लेफ्ट। तो आपको डायरेक्शन पता चल गया कि हम किस लाइन पे किस दिशा में चलेंगे। तो इतना क्लियर होने के बाद आप आइसोमेट्रिक को आसानी से बना सकते हो। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज हमने ले लिया है, और इसमें देखो हमने पहले से ही बना लिया है अप डाउन इन आउट लेफ्ट और राइट, ठीक है। इससे आपको एक पता चलता रहेगा। एक चित्र हमने लिया है, एक इंस्टॉलेशन लिया है, तो उसमें देख के हम बनाएंगे कि इंस्टॉलेशन। देखो हमको सामने देखेंगे तो पाइप हमको दिख रहा है, वर्टिकल जा रहा है ऊपर, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो नीचे से ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर छोड़ देंगे, तो पहले इसको बना लेंगे नीचे, जैसे एक पेडस्टल बनता है ऐसे, तो ये हो गया आपका जीसी हो गया। इसके ऊपर हमको 1.5 मीटर छोड़ना होता है, तो हम यहाँ से 1.5 मीटर ऊपर वर्टिकल चलेंगे, क्योंकि पाइप हमको ऊपर ही ले जाना है। तो यहाँ से देखो, इसके बाद एक टीएफ होता है ये, और टीएफ में एक आईवी लगी होती है, तो ये हमने यहाँ पर एक इसमें आईवी लगा दी। आईवी के बाद यहाँ से ये तो हो गया अपना टीएफ का हिस्सा। इसके बाद अब शुरू करते हैं। जो फिटिंग्स आप देख रहे हो इसमें टीएफ का हिस्सा नहीं है, नीचे नहीं बना हुआ है, और इंस्टॉलेशन सिर्फ एलएमसी की है, यानी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो इंस्टॉलेशन है जीआई की, उसको लेते हैं। तो पाइप देखो ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो हम एक लाइन वर्टिकल खींचेंगे, ऐसे हमने वर्टिकल लाइन खींच दी। अब हम यहाँ आ गए, हमारी वर्टिकल लाइन खींच गई। अब वर्टिकल लाइन के बाद आपने देखा हो कि इसमें एक यहाँ पर टी मेंशन है ऊपर जाने के लिए, भी एक पाइप लगा हुआ है जो ऊपर जा रहा है और नीचे एक टी लगी है, तो इसमें हम एक यहाँ पर एक टी मेंशन कर देंगे। और हमको चूंकि नीचे एक ही उसकी बनानी है इंस्टॉलेशन, और पाइप हमारा देखो राइट में मुड़ रहा है, तो राइट के लिए हमने बताया था इस लाइन पे जाना है, तो इस लाइन का इस रेखा का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम इसको इधर की तरफ बना देंगे। पहले हम लेआउट बना लेंगे, बाद में मेजरमेंट करके इस पर लिख लेंगे। तो हमने मेजरमेंट भी किया हुआ है इसका, देखो मेजरमेंट जो है वो हमारा आया है 750, और मेजरमेंट हम mm में करेंगे, तो ये हो गया हमारा 750 mm। इसके बाद इसकी इसका मेजरमेंट किया, ये हुए 200 mm। अब देखो इसके बाद पाइप अंदर की तरफ जा रहा है इन लाइन में, तो हमें इन लाइन पे बनाना होगा, और इन लाइन के लिए हमें इस रेखा का इस्तेमाल करना है, तो इस लाइन पर हम खींचेंगे, ठीक है। और अंदर जाके देख रहे हैं हम घर के अंदर की पाइप लेंथ सीधी चली जा रही है, होल पीस के अंदर जाने के बाद आगे तक ही चली गई लास्ट तक, तो यहाँ पे जा करके वो राइट में मुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो होल पीस का निशान बना देंगे ऐसे सिंबल कि ये होल पीस है, हम चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं मार्किंग करके इस तरीके का दे देंगे कि होल, तो ये होल हो गया आपका। अब इसके बाद देखो पाइप हमारा राइट में मुड़ रहा है, तो राइट में हमने राइट लाइन के लिए इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे, तो इस रेखा पर हम चले गए। इसके बाद यहाँ तक, अब यहाँ पर जाने के बाद हमको पता चला कि मेल फीमेल कनेक्ट है यहाँ पर, मेल फीमेल के बाद फिर वो इन हो गया, तो इन लाइन पर चले जाएंगे, इन लाइन पर चले गए। इन होने के बाद इसमें ये होल पीस है, किचन के अंदर चला गया पाइप, और ये हमने होल पीस बना दिया। होल में अंदर के बाद देख रहे हैं कि अंदर जब हम किचन में पहुंचे तो हमने देखा पाइप अंदर से देखेंगे तो लेफ्ट मुड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास बदल गए, अगर हम बाहर से ही देखते तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, अंदर से जाके देखा तो राइट मुड़ रहा है, मतलब पाइप लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो हम उसको लेफ्ट की तरफ ऐसे ले जाएंगे और उसको मेजर करेंगे कितना है। फिर इसके बाद देखो पाइप डाउन हो रहा है, तो हम इसको डाउन लाइन में सीधा सीधा खींच देंगे ऐसे, ठीक है। और अगर हम एक ही लाइन को दोबारा से क्रॉस कर रहे हैं कहीं पर भी, तो हम वहाँ पर ऐसे सिंबल बना देते हैं कि हमने यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है। तो ये पता चल रहा है ऊपर की लाइन ही सीधी यहाँ से यहाँ आ रही है, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आकर के देखा आपने कि यहाँ पर आई भी लगी है, ये आपकी आई भी लग गई। इसके बाद आपका रेगुलेटर फिट है, तो आप यहाँ पर एक रेगुलेटर का सिंबल बना देंगे इस तरीके से। इस तरीके से रेगुलेटर का सिंबल बनने के बाद आपने देखा कि यहीं पर आपका मीटर लगा हुआ है किचन में, अब मीटर इस दीवार पर लगा है तो उसी दीवार पर जिस दीवार पर ये पाइप मुड़ा था, तो उसी दीवार यानी कि राइट वाली लाइन पे बनाएंगे मीटर, तो राइट वाली लाइन पे हमने मीटर का सिंबल बना दिया यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा बन गया मीटर, यहाँ पे लिख देंगे MTR मीटर। और इसके बाद यहाँ पर देखो मेल फीमेल लगा करके पाइप लाइन को डाउन कर दिया है, तो हम इस तरह से इसको डाउन करके, और यहाँ पर इसमें अप्लायंस वाल लगाया हुआ है, तो हमने ये अप्लायंस वाल का सिंबल बना दिया ये इस तरीके से, यानी कि पहले पाइप हमारा ऊपर मेल फीमेल गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप उसे बना सकते हो आइसोमेट्रिक को, वो सिंपल है। अब इनका मेजरमेंट जो हमने किया है वो लिख देते हैं, ये था 4500, ये है 7570, और 300 mm का होल पीस है,
उसके बाद ये है आपका 200 mm, और यहाँ से यहाँ तक की रेगुलेटर तक की जो लंबाई है ये आपकी है 400 mm। ठीक है, यहाँ पर आपका निप्पल लगा है 3 इंची, यानी 775 mm 3 इंची निप्पल लगा हुआ है। और ये आपका है रेगुलेटर मीटर, ये है आपका मेल फीमेल, और इसकी लंबाई है 400 mm। और ये आपका हो गया अप्लायंस वॉल। तो इस तरीके से आपने इसे बना के तैयार कर दिया। अब इसका मेजर करते हैं टोटल है, तो टोटल करेंगे 95। ये देखो 13,995 है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे बिफोर मीटर। यानी कि मीटर से पहले कितना आया, 1000 का भाग देंगे 13.995, यानी कि 13.99 मीटर आ गया। अब आफ्टर मीटर देखो कितना लगा है, तो आफ्टर मीटर आपका 400 ही लगा हुआ है, बाकी मेल फीमेल है, तो यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर मीटर। तो मीटर के बाद जीआई जो लगी हुई है वो आपकी है 400 mm। ठीक है, यानी कि जीरो, अगर मीटर में ना पाएंगे तो 0.4 मीटर हो गया, तो दोनों को मीटर में ही कर देते हैं। ठीक है, अब ये मीटर हो गया, तो इनको जोड़ देते हैं 13.99 प्लस 0.4, तो ये हो गया 14.39, तो टोटल 14.39 मीटर। तो इस तरीके से हमको इसको भरना है। यहाँ लिखा है कंज्यूमर पार्टिकुलर, तो इसी में आपको भरना है कंज्यूमर पार्टिकुलर में। यहाँ पर आपको आएगा जीआई इन मीटर में, कॉपर अगर पाइप लगाते हैं तो इसमें लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है 14.39। तो यहाँ पर सुपरवाइजर के साइन होंगे, और यहाँ पर क्लाइंट द्वारा यहाँ TPI से वेरीफिकेशन कराना है, कस्टमर के साइन कराने होते हैं। तो इस तरीके से आप आइसोमेट्रिक को आसानी से बना सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं। हमको सिर्फ बनाते समय डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इन आउट अप डाउन और लेफ्ट राइट, इन्हीं का। तो ये रहा आज का। तो दोस्त, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।